मामा हमारी बड़ी गाड़ी कब आ रही है? इसी हफ्ते आ जाएगी बेटा। हम बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते। क्यों भाई? क्योंकि हम इस्लामी लोग हैं। मामा चलें पॉलर चलें। पॉलर क्या करने जाना है? बेटा मैंने अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाना है। मत करवाएं क्योंकि हम इस्लामी लोग हैं। या आपने दुपट्टा कैसे लिया हुआ है? सही तो है बेटा, जिस्म कवर होना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी लो। आपको नहीं पता हम इस्लामी लोग हैं? मामा हमारा ब्रांड कब लॉन्च हो रहा है? कौन सा ब्रांड? हमारा अपना ब्रांड। कोई ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं। इसमें क्या है? क्योंकि हम इस्लामी लोग हैं। वैसे आप क्या देख रहे हो? मैं रील्स देख रहा हूँ। हो, इस्लामियों की रील्स देखते हो? अपनी अकल के चारों खाने खोल कर सुन लें कि मैं यहाँ दीन नहीं सिखा रही, उसके लिए उलमा कराम मौजूद हैं जो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा कंटेंट माँ बच्चों की तरबियत और मौशरे की बुराइयों को हाईलाइट करने पर होता है। मेरी आवाज को दबाने वाले या पर्दे की रट लगाने वाले हजरात अपनी नाचती माँ बहन बेटियों को दबाएं और पर्दा करवाएं, जिन्होंने मौशरे को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौलाना तारिक जमील साहब बड़ी गाड़ियों में घूमे, अपना ब्रांड बनाए या हेयर ट्रांसप्लांट कराए, वो खानदानी अमीर है, उन्होंने अपने वालिद के पैसे को बढ़ाया है। आपको मिर्चे क्यों लग रही है? क्या आपके बाप का पैसा है? बोक्स और हसद की आग ने आपको अपने ही उलमा कराम पर उंगली उठाने पर मजबूर कर दिया है। आप चाहते हैं कि अच्छाई फैलाने में सारी जिंदगी वक्फ करने वाले सांस भी आपकी मर्जी से लें। मेरी लॉयल ऑडियंस जो मेरी सोच से इत्तफाक रखती है, मेरी सर आंखों पर, लेकिन ऐसी छोटी सोच रखने वाले जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे फौरन अनफॉलो करें, क्योंकि आपका फॉलो मेरी जूती की नोक पर। मैं उनमें से नहीं जो फॉलोअर्स की भीख मांगती फिरे, क्योंकि यहाँ स्टोरी चेंज है।